पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब सरकार वालों लोगों नाल कीते वादे दे तहत बकाए बिजली बिल मुआफ करन दी प्रक्रिया शुरू कीती है अते संकेतक तौर ते बकाए बिलां दीआं कापियां साड़ के लोगों नूं पुराने बिलां दीआं देनदारियां भुल जाण लई आख्या है। पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट बिजली लोड तक वाले सारे खपतकारां दे बकाए मुआफ करन दा फैसला लागू कर दिता है। चमकौर साहब हल्के दे वख-वख पिंडां दे सर्वपक्षी विकास लई 1000 करोड़ की लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने श्री चमकौर साहब ब्लाक के 25 पिंड के सरपंचों 60 करोड़ रुपए के चैक भी वंडे। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, मैं तुहानू पिछलिया चोणों में कह रहा सी कि जेकर तुसी मैनू इस हल्के अपना नुमाइंदा चुन के भेजिया तो तुसी जो चाहते हो हासिल कर सकते हो, पर हुण मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं तुहाडे शब्दों उत्ते फुल चढ़ावांगा। उन्हां कहा कि श्री चमकौर साहब के इस पिछड़े इलाके विच विकास कार्यों में कोई कसर बाकी नहीं छड़ी जाएगी। जिन्हों तो बिजली के बिल नहीं दिते जा रहे सी, उन्हां दे बिजली के बिलों का वजन सरकार ने आप चक लिया है। अगे तो आने वाले दिनों तुसी देखोगे असी बिजली बारे होर बड़े फैसले भी लवांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावें कि पंजाब के होर खेतरां विच भी यूनीवर्सिटियां स्थापित कीतियां गईयां ने, पर यह माण वाली गल है कि पहली बार एक सरकारी यूनीवर्सिटी शहीदां दी पवित्र धरती श्री चमकौर साहब विखे स्थापित की जा रही है। उन्होंने दस्या कि यूनीवर्सिटी का निर्माण करने लई 42 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा चुकी है। उन्होंने खुलासा किया कि 500 करोड़ रुपए की लागत नाल स्थापित हो रही हुनर विकास यूनीवर्सिटी के निर्माण लई 100 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जा चुके हैं।